हाथों में बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, शिक्षा, सम्मान, सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं है। बार बार मन में ये सवाल उठता है कि क्यों हमारे देश में समानता नहीं है। गरीबों के लिए, अमीरों के लिए समान नियम होते हुए भी इतनी ज़्यादा समस्याएं क्यों हैं। हालांकि आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते पहुंच गई हूं IAS नरहरि सर के पास में। तो आइए देखें कि इतना ज़्यादा कामों में व्यस्त रहते हुए भी सर हमारे लिए समय कैसे निकाल पाते हैं। हालांकि जो जनता के IAS होते हैं, जो देश को चलाना जानते हैं, वो समय तो निकाल ही लेते हैं, आखिर उन्हें भी तो बदलाव करना ही है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सर इंदौर, ग्वालियर, सिंगरौली के पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं। मैं पी नरहरि, मैं 2001 बैच का IAS ऑफिसर हूँ। अभी वर्तमान में मैं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश विपणन संघ हूँ। हेलो दोस्तों, आज हमारे सामने है नरहरि सर, जिनके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इनका काम भी है नरहरि। मैंने इनका एक मोटिवेशनल वीडियो देखा था जो किसी UPSC एस्पायरेंट ने डाला था, जिसमें रश्मि रति की कुछ लाइनें कही गई थी कि वसुधा का नेता कौन हुआ। तो वसुधा का नेता वो होता है जो कि पूरी लगन और मेहनत के साथ में काम करता है। इनके बारे में कहा जाता है और मैंने काफ़ी सुना है, इसलिए मुझे आना पड़ा कि इनकी पहचान इनके पद से नहीं है बल्कि इनसे पद की पहचान है। तो एज अ डॉक्टर एंड एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो मुझे ये लगता है कि अगर मुझे काउंसलिंग के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना है तो मुझे भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। अगर मैं खुद काउंसलर हूँ तो मुझे भी काउंसलिंग की जरूरत ज़रूर पड़ेगी, और ख़ासतौर से एक ऐसे इंसान से जिनसे पद की पहचान है। तो बिल्कुल आज आपका बहुत बहुत स्वागत है नरहरि सर। आपसे मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि जब मैंने आपको कॉल किया इंटरव्यू के लिए, परमिशन लेने के लिए, तो मुझे बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपकी जगह कोई और होता तो मुझे सोचना तो पड़ता और साथ में मेरी नर्वसनेस और ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन आपने बहुत ही पोलाइटनेस और विनम्रता के साथ मुझसे बात करी। इवन आपने मेरा कॉन्टेक्ट भी याद रखा और मुझे आपके PA ने कॉल करके बताया भी कि मेरा जो इंटरव्यू का टाइमिंग है वो आज शाम का है। और बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं, मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी IAS को ढेरों काम होते हैं 24 घंटे में, वो कैसे याद रख सकता है। सर मैंने देखा है कि कई सिविल जजेस होते हैं, कई लॉयर्स होते हैं, UPSC पास आउट करने के बाद भी जितने भी लोग IAS बनते हैं उनके चेहरे पर एक स्ट्रेस नज़र आता है, एक इरिटेशन नज़र आता है वर्कलोड का, तो लेकिन आपके चेहरे पर वो नज़र नहीं आता। तो ऐसा क्या है, आपने कैसे अपने व्यक्तित्व को डेवलप किया? पहले तो धन्यवाद कि आपने खास तौर पर वर्तमान में जब कोविड का ये समय चल रहा है और अभी सेकेंड वेव जो है जी, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, उसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि निश्चित ही समाज में जो है वर्तमान में लोग जो है काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है। जो प्रश्न आपने किया कि मैंने फ़ोन उठा लिया, अभी ऐसे मौके पे मैं जनरली जो है मेरा फ़ोन जो भी मुझसे संपर्क करता है, हम ऐसा ही मानते हैं कि किसी न किसी काम से उन्होंने संपर्क किया होगा, उनका कुछ ना कुछ चिंता होगी या प्रशासनिक दृष्टि से उनको ऐसा कोई काम होगा, समस्या होगी जिसका समाधान वो कराना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा ऐसी सेवा है जहाँ पे हमें यह प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों से हम संपर्क में रहें और उनका समस्याओं का समाधान करें, और साथ ही शासकीय काम कहीं पर भी प्रभावित ना हो ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं फ़ोन उठा लेता हूँ और प्रयास करते हैं कि यथासंभव जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का संपर्क में आए उतना ही बेहतर है। और एटलीस्ट वर्तमान समय में मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि कोरोना जो सेकेंड वेव बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, इसका निश्चित ही हमें सबको चिंता करने की आवश्यकता है, लेकिन वो चिंता की लकीरें हमारे फेस पे दिखाई नहीं दे रही। हमें बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, इस फेज को जो है हमें निकालना है और बड़े खुशी से निकालना है और अपने परिवार मित्र सभी के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर इस कोविड को इस दौर को हमें निकालना चाहिए और हमेशा प्रसन्नचित रहे, क्योंकि हम अगर स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे तो हम ही नहीं, हम अपने परिवार के लोग, हम जहाँ पे काम करते हैं सबको प्रभावित करेंगे। अगर हम खुश रहेंगे, अगर हम प्रसन्नचित होकर अपने कार्यों को अंजाम देंगे
तो निश्चित ही हम, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे इष्ट मित्र और हमारा समाज जो है सकारात्मक रूप से जो है इस दौर को निकाल लेंगे। हाँ, धन्यवाद सर आपका। और मेरा जो दूसरा सवाल है सर, वो ये है कि मेरा जो स्कूल एजुकेशन हुआ है वो एक ग्रामीण क्षेत्र से ही हुआ है, और मैंने ये देखा है कि हम ये मानते हैं, सभी लोग ये मानते हैं कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। मैंने जितनी भी स्पीच आपकी सुनी है यूट्यूब पर, उसमें भी मैंने आपको कहते हुए सुना है कि आपको वो करना चाहिए जो जिसमें आपका मन लगे, जो हम मन से चाहते हो। लेकिन वही बात है कि प्रॉपर गाइडलाइन क्या चीज होती है, करियर काउंसलिंग क्या चीज होती है, आज भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे नहीं जानते। यहाँ तक कि मुझे भी तब पता चला जब मैंने मेडिकल कॉलेज पास आउट कर लिया, मैं फोर्थ ईयर में आ गई, उसके बाद मुझे पता चला कि कितना अंतर है भोपाल शहर में, क्योंकि बचपन से ही मुझे नहीं पता था कि MSW क्या होता है। मैंने BHMS के बाद में MD नहीं किया, मैंने MSWC किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था लोगों से कम्युनिकेशन करने में। लेकिन यही बात लोगों को 12th क्लास में भी आजकल पता चल जाती है अगर हम शहरी माहौल की बात करें तो, क्योंकि आगे जाके करियर को सेट करने में काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है अगर हम 12th के बाद में करियर काउंसलिंग लेते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी व्यवस्थाएँ नहीं है ऐसा मुझे लगता है। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें मेरा बिल्कुल, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी से यही अनुरोध है कि जो हमारा फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, यानी कि जब हम अपने जीवन को जो है मतलब प्रारंभ करते हैं, और ख़ास तौर पर जब 8th, 9th और 10th क्लास में रहते हैं, 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा में हम लोग जो एक मन बना लेते हैं कि हमें आगे चलकर किस तरह के करियर को चयन करना है, किस तरह के जॉब्स हमारे लिए अच्छे रहेंगे, इस तरह की चीज़ें हम समझने लगते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध ये है कि हमें उस दौर में हमें अपने मित्रों के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में, या फिर हमारे जो वरिष्ठ जन हैं जो किसी न किसी फील्ड में हैं, अगर मान लीजिए कि मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, कौन से सब्जेक्ट्स का चयन करना होगा, और उसमें क्या पढ़ाई करनी होगी, और कौन से एग्ज़ाम्स मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे, और फिर एक बार जब उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद मेरा चयन हो जाता है MBBS के लिए, वो कितना समय लगेगा, और उसके बाद जो है मुझे कितने वर्किंग आवर्स रहेंगे, मेरा पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, मेरा फैमिली लाइफ कैसा रहेगा, ये तमाम चीज़ें जो है आप किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करिए, वो आपको अच्छे से बताएंगे। आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एक इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति जो किसी फील्ड में है, उस फील्ड में है, उनसे जाके उनके साथ एक घंटा बैठ लीजिए, उनसे बात करिए। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको एक पुलिस ऑफिसर बनना है तो आप ऐसे पुलिस ऑफिसर से संपर्क में आइए, उनसे बात करिए, प्रयास करिए कि आपके जो भविष्य के जो भी आपके मतलब भविष्य में आप जो भी करना चाहते हैं, जिस करियर का चयन करना चाहते हैं, उसका वास्तविकता में जो है कैसा होता है जब वो करियर में पहुंचते हैं। मेरा ये कहना है कि हमेशा हमको ऐसा करियर चयन करना चाहिए जहाँ पे हमको हम खुशी खुशी अपना काम कर सकें, हमको बिल्कुल महसूस ना हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो घंटों बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा कभी महसूस नहीं होने देना है। मन लगना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, और करियर प्रोग्रेशन भी जो है आपका बेहतर रहेगा जब आप जो है अपने आप को ये मानेंगे कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ ये मेरी इच्छा के अनुरूप है। तो इसलिए बेस्ट टाइम होता है विद्यार्थी दशा में ही हमें अपने आप को समझना, पहचानना, और फिर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करना। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना है, तो सरकारें कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? सरकारी कोचिंग व्यवस्था है क्या? सरकार के या मतलब ऐसे जगह पढ़ाई करें जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता हो, जहाँ अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ डालने की ज़रूरत ना हो, जहाँ आपके हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज हैं। तो आप प्लीज़ अपने आप से जो है समय निकाल कर आप जाकर पूछिए, समझ लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क में आएंगे तो निश्चित ही आप एक बेहतर करियर का चयन करेंगे, और उसमें आप बेहतर काम भी करेंगे और खुश भी रहेंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा ये बातें सुनकर। और सर, मेरा अगला सवाल ये है कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 3 अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ में मेरी मुलाकात हुई, जो कि अब स्टूडेंट नहीं है, अब उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप कर लिया है, किसी ने बाइक को लेकर अपना स्टार्टअप किया है, किसी ने हनी को लेकर अपना स्टार्टअप किया है, तो अलग अलग स्टार्टअप अलग अलग इन्वेस्टर्स ने किए हैं।
तो एक आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई और आईआईटी इंदौर के तीन अलग अलग विद्यार्थियों से मैं मिली जो कि पूर्व छात्र रह चुके हैं आईआईटी के। उनका कहना ये था कि उनके स्टार्टअप का कोई भी लेना देना नहीं है उनके सब्जेक्ट के साथ में, जिस सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने बीटेक किया है उसका कोई भी लेना देना नहीं है उनके स्टार्टअप के साथ में, उनके बिजनेस के साथ में। और एक स्टूडेंट ने तो मुझे ये तक बोल दिया कि आईआईटी का टैग अगर नहीं होता तो उनके बिजनेस को डेवलपमेंट नहीं होता। तो क्या आईआईटी का टैग लगना इतनी बड़ी बात है? क्या अदर स्टूडेंट्स को वो ट्रेनिंग नहीं मिल सकती नॉर्मल कॉलेज में? क्योंकि हम आईआईटी के लिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे जाते हैं और उन सब्जेक्ट में उनका मन ही नहीं लगता जिसमें वो आईआईटी को पढ़ रहे हैं या आईआईटी से रिलेटेड कोर्स को पढ़ रहे हैं, और आगे जाके पता चलता है कि उन्होंने कुछ और ही स्टार्टअप किया जो कि नॉर्मल कॉलेज में भी उन्हें सिखाया जा सकता था। सर आपका क्या कहना है? मेरा इसमें क्लियर कहना ये है कि देखिए IIT, IIMs या फिर NITs इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, निश्चित ही ये अपने देश में सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका चयन हुआ है, निश्चित ही कॉलेजेस अच्छे हैं, वहाँ के पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे हैं, वहाँ के जो माहौल अच्छा रहता है। परंतु ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका वहाँ चयन नहीं हुआ इसका मतलब नहीं है कि आप बेस्ट नहीं हो। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में केवल उतने ही पीरियड में, जितने 3 घंटे के समय में आप जो लिखते हैं वो आपका भविष्य या फिर आपका कॉम्पिटिटिवनेस या फिर आपका जो है पर्सनैलिटी को तय नहीं कर सकता है। पर्सनैलिटी जो है, आपका जो व्यक्तित्व जो है वो कई कारणों से बनता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि IIT इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस का टैग एक हद तक आपका सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आपका जो व्यावहारिक जो जीवन है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो आपको कहीं पर भी आपको ले जा सकता है। आपको जो है अच्छे इंस्टीट्यूशंस में ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो अपने ज़िंदगी में देखते हैं कि लोगों ने बहुत ही सामान्य स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, सामान्य कॉलेजेस से पढ़ाई किया है, लेकिन उत्कृष्टता के प्रमाण स्थापित किया है अपने अपने कार्यक्षेत्र में। तो मेरा ये मानना है कि हमें ऐसे चीज़ों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। हाँ, एक पॉइंट आपने ज़रूर जिक्र किया है कि लोगों ने IIT से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, परंतु बाद में जो वो काम कर रहे हैं उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। परंतु ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई आपने ऐसा सिलेक्शन किया है, आपने ऐसा करियर सेलेक्ट किया है जहाँ पे आपने जो पढ़ाई किया उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैंने UPSC लिखा है और IAS में आया, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग किया है, अब इंजीनियरिंग का काम तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि मेरे लिए IAS में इंजीनियरिंग का कोई मायना नहीं है, ये गलत है। क्योंकि IAS में भी हमको प्रशासनिक क्षेत्रों में हम जो काम करते हैं, हमको इंजीनियरिंग के बहुत सारे चीज़ों से काम पड़ता है जी। तो कहीं ना कहीं वो उपयोग में आता है। और दूसरा, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमने की है वो कहीं ना कहीं हमारा थिंकिंग में, हमारे रैशनल थिंकिंग में, हमारे क्वेश्चनिंग में, हमारे जो कामकाज में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में, वो इंजीनियरिंग का जो है वो कहीं ना कहीं काम जरूर आता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए हमेशा ये मानना है कि हमारा बेसिक एजुकेशन सही होना चाहिए। हम जो सब्जेक्ट्स जिसमें सेलेक्ट होके आगे के लिए कैरियर्स का चयन करता है, यथासंभव हमें प्रयास करना चाहिए कि वो दोनों मिलते जुलते हैं। अगर कहीं मिलते भी नहीं हैं, तब भी जो ये प्रयास करना चाहिए कि वो पढ़ाई के किसी न किसी स्वरूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें काम आना चाहिए। जी बिल्कुल सर। जब मैं 11th क्लास में थी तो मुझे डांस सीखने का बड़ा शौक था। भरतनाट्यम, कथक, जब हम दूरदर्शन पे देखते थे तो ऐसा लगता था कि हमने इतने बड़े स्टेज को कभी नहीं देखा अपनी दुनिया में। चूँकि पहले तो यूट्यूब चैनल्स वगैरह का भी कोई ज्ञान नहीं था, मोबाइल्स वगैरह की भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। 2007 में मेरा एडमिशन जब भोपाल में हुआ, तब मुझे पहली बार यहाँ के रविंद्र भवन में स्टेज पर डांस करने का मौका मिला। तब मुझे लगा कि मैं कितना दूर थी और मैं कितना मिस करती थी इन चीज़ों को। पहले जब मैं विद्यार्थी जीवन में, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में सब सीखना चाहती थी, तो मेरी मदर का यही कहना होता था कि बेटा अगर अपने गाँव में होता तो मैं तुम्हें डाल देती ऐसे ऐसे क्लासेस में जहाँ पर गुरु सिखाते हैं कथक, भरतनाट्यम, जो भी होता है। सर आज भी मैंने देखा है कि उस स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है। 2007 से मैं भोपाल में हूँ और अभी सर 2021 चल रहा है। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल्स में बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियरिंग के अलावा कोई कल्चरल विंग वाला कोई रास्ता नहीं दिखाई देता उन्हें। कल्चरल डेवलपमेंट में अगर उन्हें डांस सीखना है या अदर कोई गाना या सॉन्ग सीखना है तो उसके लिए उन्हें वो फैसिलिटी नहीं दी जाती है। अगर हम नवोदय विद्यालय की बात करें, अगर हम सेंट्रल स्कूल की बात करें, तो फिर से वही मुद्दा आ जाता है कि
व्हाट इज स्पेशल, हम स्पेशल चाइल्ड की बात तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो मिसिंग है, तो सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए डेफिनेटली ग्रामीण क्षेत्रों में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पर हमें डांस, ड्रामा या पेंटिंग या इस तरह के जो स्किल्स हैं, कलाएं हैं, वो हमको सिखाने वाले कोई मिल जाए। अगर कोई मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु मेरा ये मानना है कि जो हमारे पास उपलब्ध है, हमेशा हमें ये देखना है कि मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द, मेरे नेबरहुड में, मेरे गांव के माहौल में क्या बेहतर मिल रहा है, कितने तरह के ऐसे चीज़ें हैं जो मिल रहे हैं। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जो जिसको हम कहते हैं एबिलिटी का मतलब ये नहीं कि मेरे पास सब कुछ हो तब जाके मैं कुछ बनूंगा, वो एबिलिटी नहीं है। अभाव में भी हम कैसे प्रयास करेंगे कि हम कितने चीजों को सीखेंगे। मैं बार बार ये क्वेश्चन करता हूँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उस स्कूल का लाइब्रेरी का कितना उपयोग मैंने किया है। हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैंने कितना उपयोग किया है उस लाइब्रेरी का, क्या कितने घंटे बैठ के मैंने उस लाइब्रेरी में जितने अच्छे अच्छे पुस्तकें हैं उसका अध्ययन किया है। तो हम ये क्यों मानते हैं कि मेरे पास ई लाइब्रेरी नहीं था या फिर मेरे पास सबसे बड़ा बेस्ट लाइब्रेरी नहीं था, ऐसा क्यों मानना चाहिए कि हमारे पास जो छोटा सा लाइब्रेरी है उसमें जितने पुस्तकें हैं क्या मैंने उन तमाम पुस्तकों का अध्ययन किया है, क्या मैंने उससे नोट्स बना लिया, क्या उसको मैंने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। तो अभाव जो है हमेशा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बेहतर करने के लिए ही अभाव रहता है। जहाँ सब कुछ है वहाँ पे अगर व्यक्ति ने कुछ बन भी गया है उसका क्या महत्व है। तो हमको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि सीमित साधन संसाधन जितना है हमारे आसपास उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे करें। हाँ सर, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन बार बार ये बात आती है दिमाग में कि क्या सरकार कभी इम्प्रूवमेंट नहीं करेगी इस तरह के स्कूल? नो डेफिनेटली, देखिए समय के साथ बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। देखिए पहले की तुलना में आज अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र का भी स्कूल देखेंगे, पहले जो है टीचर्स की कमी या फिर साधन संसाधनों की कमी से हम काफ़ी निकल चुके हैं। अभी हम देखेंगे अधिकांश स्कूलों में ई क्लासरूम्स का जो है प्रचलन आ गया है। जब टीचर्स की कमी रहती थी, अभी जो है वही टीचर्स की कमी हम ई क्लासरूम के माध्यम में डायरेक्ट लाइव क्लासेस के माध्यम से हम कराने की स्थिति तक काफ़ी कुछ पहुंच गए हैं। और मैं मानता हूं कि ये जो लगातार वृद्धि है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो वृद्धि हो रही है, निश्चित ही और जल्द से जल्द जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगे। मे बी वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से ही क्यों ना हो, बट उपलब्ध हो जाएंगे और निश्चित ही जो है और बेहतर फैसिलिटीज हमको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि कुछ और बेहतर होगा और हम सब भी सिस्टम का एक हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रयास हम लोग भी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को शौक है किसी सिंगिंग के बारे में या फिर डांसिंग के बारे में, अगर हम अपने गांव में कुछ एडवाइस कर सकते हैं लोगों को, तो हम खुद अपने बल पर भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर काम को सरकार के भरोसे छोड़ना भी सही नहीं होता है। सर आगे मेरा सवाल ये है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, अगर कोई ब्लाइंड है, अगर कोई डेफ एंड डम है, सर एक उदाहरण है मेरे ब्रदर का, मेरा खुद का ब्रदर डेफ एंड डम है, तो वो कंप्यूटर स्किल्स काफ़ी बेसिक तरीके से जानता है, काफ़ी अच्छे तरीके से वो पोस्टर्स वगैरह बना लेता है, डिज़ाइनिंग कर लेता है कंप्यूटर पर। मैं काफ़ी टाइम से उसे देख रही हूँ, लगभग 2 साल से, उसने कई जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन बेसिक स्किल्स कंप्यूटर में अच्छी होने के बावजूद उसे वो जॉब नहीं मिल रहा जो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल बच्चों को भी जॉब में दिक्कत आ रहा है। तो सर इस विषय में आपको कोई जानकारी हो तो? डेफिनेटली, देखिए भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश शासन ने दिव्यांग विद्या कैंडिडेट्स के लिए 6% तक का आरक्षण ऑलरेडी सुनिश्चित किया हुआ है। इसके अलावा भी मेरा अनुरोध ये है कि जितने भी ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं, कृपया कर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करिए। अभी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपने यहाँ मतलब काम के अनुरूप कई ऐसे जॉब्स निकले हैं जो दिव्यांगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से किया जा रहा है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में मैंने देखा है, डेफिनेटली मेरे ही ऑफिस में कई सारे ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं
जो उस प्रोसेस के माध्यम से सेलेक्ट होके आए हैं, और 6% काफ़ी हद तक जो है मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को थोड़ा समय और लगेगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो रहता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी मैं देख रहा हूँ, और ख़ास तौर पर अभी जब ये वर्चुअल सिस्टम्स आने के बाद में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आने के बाद में दिव्यांगजनों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। मेरा तो ये मेरा मानना है कि हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, और संपर्क करना होगा। और मैं तो लास्ट में ये कहूँगा कि अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो खुद ही आप कुछ स्टार्ट करिए ना, खुद का कुछ का कुछ वेंचर स्टार्ट करिए, उसका कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर दीजिए। तो डेफिनेटली वो थोड़ा टाइम लगेगा बिल्डअप करने में। जैसे मैंने देखा वो अभी इंदौर जब मैं कलेक्टर था, तो हमने जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए हमने एक स्टार्टअप तैयार किया था कि दृष्टिबाधित जो है वो अच्छे मैस्यूअर बनेंगे, यानी कि मसाज करने वाले व्यक्ति बनेंगे। उनको हमने काफ़ी ट्रेनिंग दिलाया था सामाजिक न्याय के माध्यम से, और उनको एक नंबर, टोल फ्री नंबर देखे जो भी उनसे मसाज कराना चाहते हैं, खासतौर जो लोग किसी न किसी दुर्घटना से ग्रसित होकर उसके बाद उनको ज़रूरत पड़ती है, ऐसे लोगों के लिए टोल फ्री नंबर भी लगा के हमने व्यवस्था की। वो काफ़ी अच्छा चलने लगा था। तो मेरा अनुरोध यह है कि हमें प्रयास करना चाहिए, केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर या खुद का स्टार्टअप में के माध्यम से भी कुछ प्रयास करना चाहिए। और आगे चलकर मैं मानता हूँ कि इसमें और काफ़ी वृद्धि होगी, जागरूकता बहुत आ रही है, इसमें निश्चित ही और पॉसिबिलिटीज इमर्ज होंगे। सर, आईटी फील्ड से रिलेटेड किसी कंपनी का नाम आपको पता है जो कि दिव्यांग लोगों को जॉब दे सकती है? आईटी क्षेत्र में मैं अच्छे से बता सकता हूँ, इंदौर में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति थे जो इन्फोबीन्स करके एक संस्था है। अच्छा। वहाँ उसके मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन के हेड थे वो, और वो खुद रिक्रूटमेंट्स के लिए बहुत कुछ प्रयास करते थे। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, इंदौर में हैं, आपको भोपाल में भी मिल जाएंगे, आप अगर बहुत बड़े शहरों में जाएंगे तो बहुत सारे संस्थाएं आपको डेफिनेटली मिलेंगे। क्या आप अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जिनके पास में कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो अपने आप में काफी मोटिवेशनल है, मतलब डॉक्टर या इंजीनियर ना होते हुए भी उन्होंने कुछ किया है ऐसा जो कि काफी मोटिवेशनल है दूसरों के लिए? ऐसे तो मैं अनगिनत नाम बता सकता हूँ जिन्होंने ऐसा कोई फॉर्मल डिग्री हासिल नहीं किया है, परंतु उन्होंने उल्लेखनीय काम जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र में किया है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मैं अपने मतलब अपने जीवन में जो मैंने देखा है, मैं अपने फ्रेंड्स में से ही कई लोगों का नाम बता सकता हूँ। जैसा मेरा एक मित्र है, बचपन से मेरा क्लासमेट है, रमेश करके। अच्छा। उसने जो है मोटिवेशनल या साइकोलॉजी या इससे रिलेटेड क्षेत्र में कोई एजुकेशन नहीं किया है। अच्छा। लेकिन वो सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कई लोगों के बीच में जाके वो बात करता है, मोटिवेट करता है, डिप्रेस्ड लोगों को बाहर निकालता है, या फिर सामाजिक गतिविधियों में उसका जो काम है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। तो ये मैं अपने निजी जीवन में देखता हूँ। ऐसे कार्य क्षेत्र में भी जो है हमने कई लोगों को देखा है, जैसे मैं बता सकता हूँ कि एक मेरा प्रीवियस अपॉइंटमेंट में एक ऑफिसर ऐसा था, उसका एक्चुअल काम था अकाउंट से रिलेटेड काम था, लेकिन उसका आईटी के क्षेत्र में उसका काफ़ी अच्छा नॉलेज था। अच्छा। वो अकाउंट्स ही नहीं, आईटी से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आते तो अरे उनको बुला लीजिए, वो अपने को समाधान बताएंगे। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने जीवन में। एक मेरा मतलब एक व्यक्ति जिसको मैं बहुत प्रोत्साहित करता हूँ वो है गड्डम रमेश, उसका भी नाम रमेश है। बेसिकली वो एक होमगार्ड कांस्टेबल है, लेकिन उस व्यक्ति के पास ऐसा एक फोक सॉन्ग्स का लाइब्रेरी है उसके दिमाग में, और वो लिखता भी है, गाता भी है, डांस भी करता है,
और वो अपना YouTube चैनल पे ऐसे सॉन्ग्स प्रदर्शित करता है, उसके करोड़ों में व्यूज हैं, उसके करोड़ों में, और वो होमगार्ड कांस्टेबल है, और लोग जो है उससे संपर्क करते हैं किसी फोक लिटरेचर के बारे में, फोक सॉन्ग्स के बारे में, फोक रिलेटेड कोई चीज लोगों को समझना है, अभी है जिसको बहुत बड़े लेवल पे है, डेफिनेटली, बट किसी के पास PhD है मान लीजिए फोक लिटरेचर में और उसको उतना कुछ नहीं आता, और इस व्यक्ति जो होमगार्ड है जो केवल 10वीं 12वीं पास हुआ है उसके पास नॉलेज है, पैशन है सर, मतलब डेफिनेटली। तो मेरा ये मानना है कि हमें फॉर्मल एजुकेशन जो है, डिग्रियां वगैरह जो है, एक लेवल तक ले जाने के लिए है, लेकिन जब तक आपके पास पैशन नहीं है, जब तक आप बहुत कुछ सीखना नहीं चाहते, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तभी आप जो है उस डायरेक्शन में, उस फील्ड में आप अपने आप को एक ऐसे लेवल पे ले जाएंगे और अपने आप को स्थापित करेंगे। जी बिल्कुल सर। सर एक आखिरी सवाल और रह गया है, बस थोड़ा सा हम आपको पकड़ के बैठे हैं यहाँ पर। सर आखिरी सवाल ये है कि कई लोगों को हम देखते हैं जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट की जो एग्ज़ाम होती है, बहुत सारी टफ एग्ज़ाम्स है, UPSC के एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं, CA का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, CA फाइनल स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि उनके रिजल्ट्स काफ़ी निराशाजनक होते हैं, कई बार 4 to 5 टाइम्स ट्राई करने के बाद भी फेलियर मिलता है उन लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपकी सर क्या सलाह है? देखिए मैं हमें हमारे बच्चों को, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, ये समझना होगा कि फेल्योर जो है, मतलब असफलता जो है, असफलता हमें ये सिखाता है कि सफलता पाने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, असफलता हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सफलता है। हम सबको असफलता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस दुनिया में जिसने असफलता नहीं देखी है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी से संबंधित परीक्षाएं लिखना प्रारंभ किया और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अंतिम, मतलब जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, वो एकाद लक्ष्य है जिसको हमें क्रॉस करना होगा। वो नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट प्लान भी रख लीजिए। हमेशा अपने पास प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए। प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी पे चले जाएं, लेकिन निराश कभी नहीं होना है। असफल होना ऐसा कोई नहीं है कि आपका जीवन समाप्त हो गया, आपको जीना ही नहीं है, आपका जो है इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो एक एग्जाम है, परीक्षा आप पास नहीं कर पाए तो ठीक है, नेक्स्ट और कुछ ढूंढ लीजिए। सर फेलियर भी एक तरह का इंडिकेशन ही होने के, अगर फेल नहीं होते तो वो नहीं सोचते जो कि वो अच्छा कर सकते। एग्जैक्टली। हमेशा हम लोगों ने इतिहास में कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देखा, अपने साथ उदाहरण नहीं देखा है जहाँ पे लोग जो है 10 बार 20 बार 50 बार असफल होने के बाद फिर कहीं जाके कुछ किसी और फील्ड में सफल हुए हैं। लोग जो है पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और फिर लास्ट में पता चलता है कि अरे हम, मतलब हम 60वें साल में 70वें साल में हमने ऐसा कुछ हासिल किया है। तो सफलता जो है वो आपको 25वें साल पे ही मिलने की आवश्यकता नहीं है, आपको हो सकता है कि 60वें 70वें साल पे भी मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि वो सफलता इतनी बड़ी सफलता हो कि लोग उसकी कहानी सुनना चाहें, उस पर फिल्म बनाना चाहें। डेफिनेटली। तो ये जर्नी है, जर्नी जो है लंबा हो सकता है, जर्नी जो है हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं हो सकता है कि वो रास्ता ही नहीं, वो कुछ और रास्ता हमारे लिए तय है। तो हमें पहचानना होगा कि हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। ऑफिशियल टाइम के बाद में हम घर चले जाते हैं, आज हमने सर का फैमिलियर टाइम एक्स्ट्रा खींच लिया यहाँ पर, उसके बाद भी सर मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें टाइम दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे मिलते रहेंगे, गाइडेंस लेते रहेंगे, एक गुरु के समान है आप हम सब लोगों के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा काम करिए समाज के हित में, खास तौर पर जिस फील्ड में आप वर्तमान में काम कर रहे हैं निश्चित ही बहुत ही उपयोगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले ऐसा मैं कामना करता हूँ। पुनः शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।